नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं dlallantop.com की खास पेशकश। आज मैं आपको किस्सा सुना रहा हूं एक ऐसे राष्ट्रपति का जिसके बाथरूम की लकीर पूरे देश के सामने आई। ये कोई MMS स्कैंडल नहीं था, कोई इस तरीके की फसाद वाली खबर नहीं थी, बल्कि यूं कहें कि लोकतंत्र पर यकीन रखने वाले ज़्यादातर लोग इस कार्टून को देखकर मुस्कुराए और उनका यकीन और बढ़ गया। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे राष्ट्रपति की जिनको सिर्फ इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने इस जमहूरियत के सबसे काले कागज़ पर दस्तखत किए थे। राष्ट्रपति का नाम था फखरुद्दीन अली अहमद और ये वही राष्ट्रपति थे जिनके दस्तखत से 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगी थी। 15 मई 1905 को असम से दिल्ली आकर बस गए डॉक्टर कर्नल जैलेनूर के घर बेटा पैदा हुआ, नाम रखा गया फखरुद्दीन। बड़ा हुआ, सेंट स्टीफन्स में पढ़ाई की, कैम्ब्रिज गया, कैम्ब्रिज में वकालत की पढ़ाई की और वहीं पर उसकी नेहरू से दोस्ती हुई। वापस आया, असम में वकालत करने लगा और कांग्रेस के साथ जुड़ गया। कांग्रेस की 1937 में बनी गोपीनाथ बारदोले की सरकार में मंत्री भी रहा और वहीं पर राजनीति करता रहा। उसके लिए बड़ा मौका तब आया जब 1967 में कांग्रेस पर वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई। ये लड़ाई थी इंदिरा गांधी और ओल्ड गार्ड के बीच में। इंदिरा को कुछ ऐसे लोगों की जरूरत थी जो संसदीय राजनीति में पारंगत हों, नेहरू परिवार के वफादार हों और इस मौके पर उनके साथ खड़े हो सकें। तब उनकी जिन लोगों पर नजर गई उनमें से एक थे फखरुद्दीन अली अहमद। 1967 के लोकसभा चुनाव में फखरुद्दीन पहली बार लोकसभा पहुंचे बारपेटा सीट से, 71 में दोबारा, दोनों ही बार वो मंत्री रहे और 1974 में इंदिरा ने उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया। राष्ट्रपति रहने के दौरान शुरुआती एक साल में फखरुद्दीन अली अहमद की जिंदगी विदेशी दौरों, राष्ट्रपति के नियमित कार्यक्रमों, गोल्फ खेलने, कविता पढ़ने और डायरी जैसे कामों में बीत रही थी। मगर हालात तेजी से बदल रहे थे। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन तेज हो रहा था और ऐसे में फैसला आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का, जिसने तकनीकी कारणों से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के इल्ज़ाम में इंदिरा गांधी की लोकसभा का निर्वाचन रद्द कर दिया। और उसके बाद अपने करीबी सलाहकारों जिनमें संजय गांधी और सिद्धार्थ शंकर रे जैसे लोग शामिल थे, इंदिरा गांधी ने तय किया कि विपक्ष के आंदोलन को कुचलने के लिए अब एक ही रास्ता बचा है, इमरजेंसी का। 25 जून की रात इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आर्टिकल 352 के सेक्शन 1 के तहत इमरजेंसी लगाने का प्रस्ताव भेजा, जिसे उन्होंने मान लिया और अगले दिन इंदिरा ने रेडियो के जरिए पूरे देश को इसके बारे में बताया। ये इतनी हड़बड़ी में लिया गया राजनीतिक फैसला था कि इसके लिए जरूरी कैबिनेट की मीटिंग भी अगली सुबह बुलाई गई इंदिरा गांधी के 1 अकबर रोड के आवास पर। इसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद की मुश्किलें बढ़ती गईं क्योंकि जल्द ही उन्हें समझ गया कि नेहरू जिस लोकतांत्रिक भारत को बनाने की कवायद करते रहे थे, इंदिरा और उनका बेटा संजय उसकी धज्जियां उड़ाने पर उतारू था। फखरुद्दीन अली अहमद को राष्ट्रपति भवन में लगातार ये खबरें मिल रही थी कि इंदिरा कैबिनेट के कई मंत्री उनके साहबजादे संजय गांधी की गुडबुक में आने के लिए नसबंदी के कार्यक्रम को लेकर कुछ ज़्यादा ही उत्साह दिखा रहे हैं और इसके लिए देश और खासतौर पर दिल्ली में एक खास कौम को निशाना बनाया जा रहा है। राष्ट्रपति की नाराजगी यहीं नहीं रुकी। कुछ दिनों बाद उन्हें संजय गांधी के एक नुमाइंदे की तरफ से ये रिक्वेस्ट मिली कि उनकी मैगजीन सूर्या के लिए राष्ट्रपति कुछ लिखें, लेकिन राष्ट्रपति ने इनकार कर दिया। विकीलीक्स के खुलासे से हमें पता चला कि इसके बाद इंदिरा के लाडले ने राष्ट्रपति के लिए उल्टा सीधा कहा और इससे राष्ट्रपति कुपित हुए। बाद में इंदिरा को अपने बेटे की कारगुजारियों के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी, जैसा कि इमरजेंसी के लिए भी हुआ था। इंदिरा और फखरुद्दीन अली अहमद के बीच तनाव बढ़ता रहा, लेकिन राष्ट्रपति के पास नाम भर की ही शक्तियाँ थीं। और फिर आया दिन 11 फरवरी 1977 का। फखरुद्दीन अली अहमद अपने दफ्तर में थे, सुबह का वक्त था 8:52 का और उन्हें लगातार 2 दिल के दौरे पड़े और उनका निधन हो गया। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान मरने वाले वह दूसरे राष्ट्रपति थे। इससे पहले ये हादसा जाकिर हुसैन के साथ हुआ था और फखरुद्दीन अली अहमद को राजकीय सम्मान के साथ संसद भवन के पास ही सुनहरी मस्जिद के किनारे कब्र में दफन किया गया। ये वही मस्जिद थी जहाँ पर वो जुमे की नमाज अदा करते थे और पूरे देश में अमन और तरक्की की दुआ करते थे। अमन और तरक्की का तो नहीं पता, लेकिन 1 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव के जरिए लोकतंत्र जरूर वापस लौट आया। आखिर में सिर्फ इतना याद आता है कि आप इतिहास में कई बार अपने सबसे बुरे फैसलों के लिए जाने जाते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद को सिर्फ इसलिए याद किया जाता है कि उन्होंने
इमरजेंसी पर साइन किए थे। dlalandtop.com पर राजनीतिक किस्सों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। शुक्रिया।